वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत, कहा अगर बानी को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें, मामला तय करें। हम अंडर ट्रायल थे तो जमीन पर लिटाया गया, अदवियात बंद की गईं, घर से खाने की भी इजाजत नहीं दी गई। यहाँ अपनी जाती तकलीफ का रोना नहीं रोना चाहता, नहीं चाहते कि उनके साथ वही ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इंतखाबात को आजादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार, 8 फरवरी के इलेक्शन की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी ईवाने नुमाइंदगान में 368 वोटों की अक्सरियत से करारदाद मंसूर कर ली गई, मुखालफत में सिर्फ 7 वोट आए। करारदाद के पीछे बानी पीटीआई के कजन जावेद बरकी, शहबाज गिल और डॉक्टर आसिफ हैं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा, कहा मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते, सेहूनी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तोहीन अदालत केस में फैसल वाबडा ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं, नीयत गलत नहीं थी मगर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत पैगाम चला गया हो, एहसास हुआ अपने किए पर अफसोस का इजहार करने में हर्ज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमकेएम वफ्द की मुलाकात, बजट और कराची से मुतालिक तहफ्फुज़ात से आगाह किया, रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने का मुतालबा, कराची पैकेज और K4 मंसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने पर जोर, वज़ीर-ए-आज़म की सखर, हैदराबाद और नवाबशाह के लिए भी वफाकी मंसूबों के फंड्स बढ़ाने की यकीन दहानी। और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, बलूचिस्तान से शिदत पसंदों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, कलदम टीटीपी के दिफाई कमीशन का अमीर और शुरकाहम रुकन नसरुल्ला गिरफ्तार, दहशतगर्दों के साथ भारत का गठजोड़ बेनकाब।